दोस्तों 2024 के आईपीएल में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, दरअसल कलकत्ता में मैच था, जो कलकत्ता का हिडन गार्डन जो होम ग्राउंड है, और बारिश के वजह से बहुत देर बाद डिले हुआ, और जिसके वजह से टॉस लेट से हुआ और ओवर की कटौती देखने को मिली। 16-16 ओवर की मैच हुई। और आपको बता दें, मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में मैच पहले बैटिंग करने आए कलकत्ता नाइट राइडर्स, और बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिए। आपको बता दें, ओपनर नहीं चले और बॉलिंग करते हुए आपको देखने को मिला शानदार यॉर्कर वगैरह देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह का 2 विकेट उन्होंने लिए और पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए। और कलकत्ता नाइट राइडर्स के तरफ से वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, जिन्होंने 42 रन के महज 21 बॉल में 200 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए, और बाकी सभी ने थोड़े थोड़े रन बना के 16 ओवर में 157 रन का लक्ष्य दिया। उसके बाद मुंबई इंडियंस आई बैटिंग करने। ओपनर बहुत ही अच्छी तरह से ओपनिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच को बड़े आसानी से जीत जाएंगे, पर आपको बता दें वैसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा का विकेट जल्दी ही गिर गया, और फिर पारी को संभाल रहे थे ईशान किशन, जिन्होंने अच्छी साझेदारी की, 40 रन बनाए 42 बॉल पे। और मुंबई इंडियंस के तरफ से तिलक वर्मा ने भी अच्छी बैटिंग की, जिन्होंने 32 रन बनाए 17 बॉल पे। आपको बता दें, बाकी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था कि मुंबई इंडियंस को जीत तक पहुंचा पाए, बहुत ही कम रन था, पर मुंबई इंडियंस इस साल एकदम फॉर्म में नहीं है। और आपको बता दें, जो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप में, वो तो अच्छा एकदम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। महज कुछ ही खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं, नहीं तो सभी खिलाड़ी आप देख ही सकते हैं क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और मुंबई इंडियंस हार का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें, कलकत्ता नाइट राइडर्स मैच को जीत के क्वालिफाई फर्स्ट टीम बन गई है टाटा आईपीएल 2024।